माना कि आपके पति ने मेरे बेटे को स्टार बनाया, वो इसलिए क्योंकि वो एक व्यापारी है। उन्हें पता था अगर वो मेरे बेटे पर एक लगाएंगे तो वो 100 कमा कर देगा, लेकिन कलाकार तो उसे मेरे बेटे मोहिंदर ने बनाया। इनके बाऊजी के जाने के बाद मोहिंदर ने अपनी पूरी जिंदगी सिक्का पे लगा दी। ये बात मैं नहीं भूली हूँ, ना मेरे बच्चे भूले हैं, और आप भी मत भूलिए। मेरे पीछे से तेरी मामी तुझे गाना गाने के लिए जोर डालेगी। हाँ मत कहना कुल्फी। खाना रानी, अरे खाएगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी है? लो जी, अब खाओ टिंडे बारोडकार। मतलब? मतलब खेल खत्म, पैसा खत्म। अरे पर रब कुल्फी, तू खा क्यों नहीं रही है? खा लो। क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि आप मुझे गाना गाने के लिए ललचाने की कोशिश कर रहे हो। अरे नहीं 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 कुल्फी, अरे ये खाना तो मैंने तेरे लिए बनाया है ना, देख देख। माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं घर के बाहर ना जाऊं, चाहे आप मुझे गाने के लिए कितना भी लालच दे दो मामी, पर माँ ने कहा था कि मुझे आपकी बातों में नहीं आना है, तो बस मैं नहीं आऊंगी। अरे रुक 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 रुक, मेरी रानी अभी भूखी है ना, तो इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले हम खाना खा लेते और फिर आराम से बात करेंगे। पेट में अन्न तो खुश रहे मन। चल चल आजा रानी। नहीं चाहिए आपके अन्न, टन टन टन। जब तक माँ भूखी रहेगी तब तक मैं भी भूखी रहूंगी, और जब माँ मुझे खाना देगी मैं तभी खाऊंगी। जब मेरी माँ खाना देगी तभी खाऊंगी। अभी तक तो माँ बेटी मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ रहे थे, पर अब से लंगर पर। अपनी मर्जी से गाना गा ले वरना कौन पकड़ के खवाऊंगी तुझे, समझी? मामी अगर आप इतना डराओगी तो मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलेगी। अब ऐसे घूर क्यों रहे हो मामी? घूरने से कुछ नहीं होगा। जबरदस्ती करने से कभी सूरज निकल आता है क्या? क्या कभी जबरदस्ती बारिश हो सकती है? जबरदस्ती करने से क्या मुर्गी ज्यादा अंडे देने लगेगी? नहीं ना, तो बस कुल्फी भी जबरदस्ती करने से नहीं गा सकती है। कुल्फी जबरदस्ती नहीं गा सकती है तो मर, राय भोकर डाल पर। ये क्या है? What's all this? तुम देख रहे हो तुम्हारी मॉम कैसे बात कर रही है? मैं नहीं चाहती तुम्हारी मॉम या ब्रदर का इन्फ्लुएंस मेरी बेटी पर पड़े, या वो बिगड़ जाए या उसकी म्यूजिक ट्रेनिंग खराब हो। सिकंदर, समथिंग नीड्स टू बी डन। व्हाट? मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। बताइए रानी साहिबा, क्या चाहती हैं आप? मॉम, एक्सक्यूज मी, कॉल मी क्यूटी प्लीज। अब वो क्या कहती थी, वो सिल्क में समथिंग, पैच का समथिंग? सिल्क में ताड़ का बैबन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ये पूरी फैमिली ना इस घर में मॉम ताड़ का बैबन है। एग्जैक्टली। अब टाइम आ गया है इस अगली पैच को निकाल दिया जाए। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी ये फैमिली। द चॉइस इज योर्स।
जो हुक्म रानी साहिबा। मैं अपने गरीब घर वालों को ना यहां से जाने के लिए कह देता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है जी। मुझे मंजूर है। इन लोगों को यहां से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। कहो। मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा जी, लेकिन तुम्हें भी अपनी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। आप सबकी जुबान में कहूं तो चॉइस इज योर्स। हम बेवफा हरगिज न थे, मत करो। जब माँ आएगी तभी खाना मिलेगा, समझे? तंग मत करो वरना चूरन चटा दूंगी। बिना डर के तो बात ही नहीं सुनता। तुझे भी भूख लग रही है? मैंने ना मामी के खाने की खुशबू सुन के गाना बनाया है, सुनेगी? एक मिनट रुक। इन माँ बेटी को लगता है कितनी आसानी से निहालों से जीत लेंगी ना? अरे हटो, आज पास के ना बीच गांव में सबसे सियानी है निहालों। खाना तो कुल्फी को गाना ही पड़ेगा, और उसकी माँ उसे तब रोक पाएगी ना जब वो उसके पास होगी। बच गए पौने बारा, पेट बिचारा भूख का मारा, शक्ल पे बच गए पौने बारा। तारा रा रा रा, तारा रा रा रा, तारा रा रा रा, तारा रा रा रा। हमने फिर भी दवा चढ़ा के मिर्ची का उस पे छोटा मारा, हमने फिर भी तवा चढ़ा के मिर्ची का उस पे छोका मारा। गरम गरम फिर बने पराठे, उस पे घी की बहती धारा। गरम गरम फिर बने पराठे, उस पे घी की बहती धारा। तारा रा रा रा, तारा रा रा रा, राजमा चावल का सपने है, पापड़ कचरी थाल सजी है, प्याज पे थोड़ा नींबू छिड़क के उस पे मारा मिर्च का तड़का। कढ़ी पकौड़ी दही कचौरी सब कुछ चकना बारी बारी,
मक्खनी चिकन भी झांक रहा है, मुझको भी तो खा लो यारा। कुल्फी गाना गाएगी, उसने तो साफ मना कर दिया था। और फिर उसकी माँ, उसने तो चंडी का रूप धारण कर लिया था। जी ओ जी, हमें अपनी जान प्यारी है निहालो जी। ओ आप फिकर मत करो जी, आसपास के 20 गांव मेरे सबसे स्टैंडी है निहालो। ऐसा दाना डालूंगी ना कि कुल्फी उसमें फंसे बिना रह नहीं पाएगी। और उसकी माँ? हाँ हाँ हाँ। उसका क्या करना है ना, ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ।